हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो ये वीडियो जो है बेसिकली आपका कटिहार मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग है। जैसा कि मैंने जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग रिव्यू किया था, तो उस रिव्यू को काफी लोगों ने पसंद किया है और काफी लोगों की कुछ नई क्वेरीज थी जो मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2021 बैच में क्या फी स्ट्रक्चर आई है। इस बार अगर आप इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट ईयर की फी स्ट्रक्चर को बताया था, तो इस वीडियो में इस बार का क्या फी स्ट्रक्चर आया है, क्या नए चेंजेस हैं, या किन किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, या कितना फीस भरा है, उन सारे चीजों का बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या है और आपका एक कट ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए ताकि आप कटिहार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो मैं सबसे पहला चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2021 बैच के लिए जो फी स्ट्रक्चर आई है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये फी स्ट्रक्चर 2021, 2022, इनफैक्ट 2026 तक, मतलब 2026 तक ये फी स्ट्रक्चर अप्लीकेबल होगी। और उसके बाद अगर कुछ चेंजेस आता है तो 2026 के बाद चेंजेस आएगी, राइट। तो वो फी स्ट्रक्चर एक बार पहले देख लेते हैं, फिर कट ऑफ मार्क्स देखेंगे और एडमिशन प्रोसेस और बाकी सारी चीजों के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितने साल के लिए फीस देनी है और हॉस्टल फीस कितने सालों के लिए देनी है, इन सारी चीजों को देखते हैं। तो जो इसकी फी स्ट्रक्चर आई है 2021 बैच के लिए, 2021 बैच के लिए एमबीबीएस की आपका जो ट्यूशन फीस है, ये ट्यूशन फीस है आपका 9,35,000 रुपए इसकी ट्यूशन फीस आई है। और वहीं पे डेवलपमेंट फीस की बात करेंगे तो 1,20,000 के आसपास आई है, 1,20,000 ओके। और ये आपका पर एनम है, मतलब हर साल ये लगेगी, कितने साल के लिए लगेगी वो भी बताएंगे, ये भी पर एनम है। और वहीं पे हॉस्टल फीस की बात करें तो 2,50,000 रुपए, मतलब 2.5 लाख रुपीस, ओके 2.5 लाख रुपीस। और वहीं पे अगर मिसलेनियस चार्ज की बात करें कि एक्स्ट्रा चार्ज आपको, और वो एक्स्ट्रा चार्ज मतलब आपके जिम के नाम पे, स्पोर्ट्स के नाम पे, ट्रांसपोर्ट के नाम पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज पर ईयर लगेगा, वो है आपका 50,000 रुपीस। ये भी आपका पर एनम है, ये भी हॉस्टल फीस भी पर एनम है। और वहीं पर सिक्योरिटी मनी सिर्फ 1 लाख रुपीस है और ये आपका रिफंडेबल है और वन टाइम लगेगी, ओके वन टाइम लगेगी। 9,35,000 ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस 1,20,000, हॉस्टल फीस 2.5 लाख रुपीज, मिसलिनियस चार्ज एज जिम, स्पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट के नाम पे ये फीस मिसलिनियस चार्ज लगेगी, और सिक्योरिटी मनी 1 लाख रुपीज। टोटल फीस अगर इसकी अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो वो है आपका 14,55,000 रुपीज, ओके ये फर्स्ट ईयर में आपको देना पड़ेगा। और एक चीज और ये मैं यहाँ पे बता दूं कि जो ये आपका ट्यूशन फीस है, दिस ट्यूशन फीस वुड बी अप्लीकेबल फॉर 4.5 ईयर, ये सारे 4 साल के लिए लगेगी। और वहीं पे डेवलपमेंट फीस की अगर बात करें तो ये डेवलपमेंट फीस भी आपका 4.5 ईयर के लिए लगेगी। और वहीं पे आपका हॉस्टल फीस की अगर बात करें तो हॉस्टल एक तो आपका कंपलसरी है, मतलब सभी लोगों को हॉस्टल में रहना पड़ेगा, बाहर में नहीं रह सकते हैं, और ये आपका लगेगी 5.5 ईयर के लिए। कैसे, सारे 4 साल तो आप कॉलेज में एमबीबीएस की स्टडी करेंगे प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, तो 5.5 साल होगी, तो 5.5 साल के लिए आपको हॉस्टल फीस लगेगी। और मिसलिनियस चार्ज आपका 50,000 पर एनम, ये भी आपको 4.5 साल के लिए ही लगेगी, राइट, ये मैं आपको बता दिया। और सिक्योरिटी मनी सिर्फ 1 साल के लिए लगेगी। अब एक चीज और देखिए, हॉस्टल चार्ज मतलब 5.5 साल के लिए, मतलब 5 साल तक आपको 2.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, और
हाफ ईयर के लिए आपको 2.5 का हाफ पे करना पड़ेगा, वहीं पे ट्यूशन फीस 4 साल तक आपको इतना 9,35,000 पे करना पड़ेगा, हाफ ईयर के लिए इसका हाफ पे करना पड़ेगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये सारे 5 साल तो आपका कंपलसरी है, मतलब यहाँ पे आपको सारे 5 साल की फीस देनी ही देनी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होता है कभी कभी किसी साल फेल हो जाते हैं या सप्ली लगती है, और सप्ली लगने के बाद में फेल होने के बाद हो सकता है उसका ईयर बैक लग जाए, ईयर बैक लग जाए, तो ईयर बैक लगने से एक साल और बढ़ेगा तो आपका हॉस्टल फीस एक्स्ट्रा एक साल का देना पड़ेगा 2.5 लाख रुपए, और अगर सिर्फ सप्ली आई तो हो सकता है किसी तरह से वो 6 महीना पीछे हुआ है तो 6 महीना में इसका हाफ हॉस्टल फीस देना पड़ेगा। ट्यूशन फीस 4.5 साल के लिए देनी है, ट्यूशन फीस एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ेगी। तो अगर सप्ली लगा या ईयर बैग लगा उसके कारण अगर आपको हॉस्टल में एक्स्ट्रा रहना पड़ रहा है तो उसमें आपको या तो 6 महीने का या साल भर का फीस लगेगा। मान लिया आप 2 महीने में आपका कोर्स हो जाता है कंप्लीट, लेकिन फिर भी आपको 6 महीने की फीस लगेगी, राइट। एक बार और ध्यान से देखिए, ट्यूशन फीस एज ए होल अगर आप बात करेंगे मतलब सारे मिला के, तो फर्स्ट ईयर में 14,55,000 रुपए इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, हॉस्टल फीस, मिसलेनियस चार्ज एंड सिक्योरिटी मनी, ये मैंने आपको बता दिया। ट्यूशन फीस 4.5 साल के लिए, हॉस्टल फीस आपको 5.5 साल के लिए कंपलसरी, अगर आप एक्स्ट्रा रहते हैं तो या तो 6 महीना या साल भर की फीस आपको लगेगी, राइट। और दूसरा चीज एनआरआई सीट्स की ट्यूशन फीस क्या है, एनआरआई सीट्स की ट्यूशन फीस आपका 25,000 USD 25,000 US dollar एनआरआई की फीस है। अब देखिए एनआरआई की फीस मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ जो सीट्स हैं लाइक 15% सीट्स इस कॉलेज का रिजर्व्ड है एनआरआई के लिए, और मुस्लिम माइनॉरिटी में ये कॉलेज है तो ऑफकोर्स मुस्लिम के लिए भी यहाँ पे सीट्स रिजर्व्ड है। तो एनआरआई सीट्स की अगर आपको बात करें तो इसमें 25,000 USD लगेगा, मतलब अगर आप एनआरआई सीट्स में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एनआरआई स्टूडेंट्स नहीं पहुंचते हैं तो उन सीट्स को जनरल सीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो आप इन सीट्स में इस 15% सीट्स में अगर एडमिशन लेंगे तो आपको ट्यूशन फीस इतना लगेगा, और नॉर्मल यानी जनरल कैटेगरी सीट्स के लिए या माइनॉरिटी सीट्स के लिए एडमिशन लेते हैं तो आपका ट्यूशन फीस इतना लगेगा, राइट। ये तो ट्यूशन फीस का आइडिया मुझे आपको देना था। अब जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट है, एक तो कटअप बताऊंगा और दूसरी चीजें आपको करना क्या है अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं अगर आपको बिहार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में सजेस्ट करूं कि आपका अगर सेफ मार्क्स है 450 से ऊपर या 400 प्लस मार्क्स है तो आप इस मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मेडिकल कॉलेज है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट लोड काफी अच्छा है, काफी स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते रहते हैं तो पेशेंट लोड यहाँ पे काफी अच्छा है। ओवरऑल कॉलेज का रिव्यू मैंने पूरा डाल रखा है, वो वीडियो आप लोग जाकर के वहां देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में होगा। तो ओवरऑल सारी चीजें अच्छी है। अब सीधे सीधे कट ऑफ मार्क्स की, भाई आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, तो एक आइडिया अगर मैं आपको दूं कि अगर आप एक मुस्लिम स्टूडेंट हैं तो आपका मार्क्स होना चाहिए, मुस्लिम स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपका मार्क्स 430 प्लस होना चाहिए, कितना 430 प्लस मुस्लिम स्टूडेंट के लिए 430 प्लस मार्क्स होना चाहिए, और जनरल स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें या नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो आपका मार्क्स अगर 450 प्लस है तो आप एक सेफ जोन में है कि आप कटिहार मेडिकल कॉलेज का काउंसलिंग करा सकते हैं। अब काउंसलिंग कराए कैसे, चलो इससे पहले आप एनआरआई सीट्स की भी बात कर रहे हैं, एनआरआई सीट्स की फीस स्ट्रक्चर काफी हाई है तो इसकी कट ऑफ लॉ जाएगी, तो 136 मार्क्स पे एनआरआई की सीट्स यहाँ पे मिल गई थी 136, ये मार्क्स में नीट का बता रहा हूँ आप लोगों को। तो राइट, अगर जो भी स्टूडेंट 2021 में इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू शुड एटलीस्ट हैव, इफ यू आर ए मुस्लिम स्टूडेंट यू शुड एटलीस्ट हैव ए स्कोर ऑफ 430 मार्क्स, एंड इफ यू बिलोंग फ्रॉम द जनरल कैटेगरी देन यू शुड हैव 450 प्लस मार्क्स
for taking admission in this medical college, and for NRI 6 you should have at least 140 और 150 मार्क्स में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। दूसरी चीज, जब आप काउंसलिंग कराएंगे बिहार का, तो बिहार की काउंसलिंग स्टार्ट होगी जब वो वेबसाइट है BCECE, इस वेबसाइट पे इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो इस वेबसाइट पे आप लोग जाकर के अपडेट रेगुलर देखा कीजिए कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वो हालांकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। इसी वेबसाइट पे काउंसलिंग होगी अभी यहाँ पे इंजीनियरिंग की और अदर कोर्सेज की और पीजी की सीट्स की काउंसलिंग चल रही है, और यहाँ पे भी मेनली यूजी एमएसी इसके अंडर में काउंसलिंग होगी। इसकी वेबसाइट में इस हेडिंग में आपकी सारी डिटेल्स मोस्ट प्रोबेबली अपलोड होंगी, तो इस वेबसाइट में आप लोग सारी डिटेल्स देख पाएंगे और वहां पे आप लोग काउंसलिंग करा सकते हैं। दूसरी चीज, जब आपको बिहार की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करना होगा कि कौन सा मेडिकल कॉलेज आप लेना चाहते हैं, तो अगर आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि कटिहार मेडिकल कॉलेज में आप में एडमिशन लें, तो कटिहार मेडिकल कॉलेज को आप लोगों को सबसे पहली प्रायोरिटी में डालना होगा। और दूसरी चीज, अगर आप एक मुस्लिम स्टूडेंट हैं, तो आपको अपनी कैटेगरी में मुस्लिम के साथ साथ जो आपका जो कास्ट है वो मुस्लिम माइनॉरिटी वाला ऑप्शन डालना होगा। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी को सिलेक्ट नहीं करते हैं, बींग ए मुस्लिम ऑल्सो यू विल गेट द सीट फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड उसकी कट ऑफ वुड बी हाई, राइट। तो मुस्लिम माइनॉरिटी जरूर सिलेक्ट कीजिएगा ऑप्शन डालते टाइम पे, और कटिहार मेडिकल कॉलेज को आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिएगा अगर आपके मार्क्स 430 प्लस हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इस मार्क्स पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। सो यही सारी चीज मुझे आपको बतानी थी, क्या कि एक तो फी स्ट्रक्चर इसका 14,55,000 एक रिजनेबल फी स्ट्रक्चर है कह सकते हैं अदर मेडिकल कॉलेजेस के कंपेयर में। 14,55,000 में आपका फर्स्ट ईयर में काम हो रहा है, बाकी फीस सारे 4 साल के लिए हर जगह लगती है। हॉस्टल फीस यहाँ पे कंपलसरी है तो सारे 5 साल के लिए लगेगी, और अगर आप फेल होते हैं तो एक्सटेंडेड आपको 6 मंथ या 1 ईयर की फीस देनी होगी। दूसरी चीज, टोटल पैकेज की एक बार बात करें, तो टोटल पैकेज का जो मैंने एक आइडिया लिया है, आप लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 68 लाख के आसपास में आएगी। कितना? 68 लाख, मतलब एक सेफ बताऊं तो 65 लाख to 70 लाख के आसपास में यहाँ का आपका टोटल पैकेज पड़ सकता है। एक बार आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, मैंने टोटल कैलकुलेशन किया है और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो अभी कटिहार मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और ये सारी चीजें और ये कट ऑफ मार्क्स और इनके साथ में आप लोग कटिहार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कटिहार मेडिकल कॉलेज, इट्स लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर, इट्स कट ऑफ मार्क्स एंड द एडमिशन प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।